तो जो काम मैं आसान समझता था वो काम इतना आसान भी नहीं है। करीब हमको मतलब 20 मिनट हो चुके हैं और 20 मिनट में मैंने जो जिम्मेदारी ली है 5 रुपए के सिक्के की ली है। यहाँ पर मैं अपनी मेरे पापा वहाँ 10 रुपए के सिक्के की मीनार लगा रहे हैं, निहारिका ने भी 10 रुपए के सिक्के की मीनार पकड़ी है। तो आप देख रहे हो ना पूरी प्रचंड गर्मी आने लगी है, फरवरी अभी चल रही है और लग रहा है कि अप्रैल चल रहा है। सुबह शाम का मौसम थोड़ा ठंडा है लेकिन दिन के टाइम में गर्मी इतनी है ऐसा लग रहा है कि जून का महीना होगा। फिर भी मतलब मैंने प्रिकॉशन के लिए अभी भी मतलब अपर पहना हुआ है गर्म वाला, क्योंकि आजकल ना थोड़ा भी अगर आप मौसम के साथ कुछ मतलब ऊपर नीचे हुआ तो आपको बुखार तुरंत पकड़ लेगा। सो गाइस दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि व्लॉग्स। तो आज का दिन खास है, हम लोग कहीं घूमने तो नहीं जा रहे हैं लेकिन आज एक मतलब ब्लॉग बना रहे हैं, एक ऐसा एक निहारिका और मेरी सेविंग थी मतलब पिछले एक साल से हम लोग कर रहे थे कहाँ जाने के लिए। आगे बताता हूँ कहाँ जाने के लिए, तो पहले मम्मी पापा लोगों को आप दिखाता हूँ मम्मी पापा लोग क्या कर रहे हैं। मम्मी लेटी हुई देखो थक गई, अभी तो लगी थी टहटे टहटे अपना हारमोनियम बजाने में। पापा देख रहे हैं मोबाइल, उसमें मशगूल हुए हैं पूरे मोबाइल में सुबह से। अरे पापा रामायण नहीं पढ़ रहे हो आप? पापा ने रामायण पूरी पढ़ लिया, मम्मी अभी तक मोबाइल देखी थी तो मोबाइल नीचे रख दिया है ऐसे और सोई हुई है। निहारिका कहाँ को तैयार हो रही है? कहीं नहीं। आपकी रसोई में क्या बनाया आज? तो निहारिका ने बनाए थे आज भटके डुबके, तो इसके चैनल पर जाके देख लेना भटके डुबके कैसे बनाते हैं। तो फिलहाल तोड़े थे हैं? तो निहारिका और मैंने एक गुल्लक में आपको दिखाता हूँ कहाँ रखा है पहले। तो देखो ये हमारा था प्लान कि हम दोनों जाएंगे गोवा, ठीक है। तो गोवा जाने का खर्चा के निहारिका ने बनाया था ऐसे एक पेट्रोमैक्स टाइप का इसने गुल्लक लिया था। कहाँ से लिया था? चंद्रिका, माँ चंद्रिका देवी मंदिर से लिया था पिछले बार। और इसने इसकी आँख जो नहीं थी ये देखो आँख और मुंह बनाया था। और इसमें मैं रोज मतलब जब भी कंपनी से आता हूँ या निहारिका कहीं सब्जी वब्जी लेके आती है तो जितने हमारे पास चेंज होते हैं सिक्के मतलब ओनली बस सिक्के इधर उधर फेंकने से अच्छा है। हाँ इधर इधर मतलब सिक्के रखने से अच्छा है कि हम लोग क्या करते थे इसके अंदर, अभी क्या हो गया ना ये पूरा फिल हो गया, अब इसके अंदर सिक्के घुस ही नहीं रहे, हमने बहुत हिला हिला के भी डाल दिए इसमें अमूमन 1 रुपया और 2 रुपया और क्या बोलते हैं 5 रुपया और 10 रुपये, 10 रुपये के सिक्के इसके अंदर हैं। अब अप्रोक्सीमेट इसका उठाओ जरा एक बार, इसको नहीं उठ रहा है ये इतना भारी हो गया कि निहारिका के कहने नहीं उठ रहा, मतलब मुझे भी लग रहा है कि एक हाथ हाँ, से नहीं उठ रहा है मतलब कितने किलो का होगा? 10 का तो 10 किलो निहारिका बोल रही है और मैं बोल रहा हूँ कि 7 किलो। अभी एजम्पशन लगाओ, चलो आप भी लगाओ, आप भी एजम्पशन लगाओ और मैं भी एजम्पशन लगाता हूँ, निहारिका भी एजम्पशन लगाती है। मतलब लास्ट में काउंट होने से पहले कमेंट करके बताना है कि इसमें आखिरकार कितने रुपये होंगे, गोवा जाने की ट्रिप हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो नहीं आ चलो पहले तुम एजेंसी लगाओ कितने रुपए होंगे? 5,000 से बढ़ सकता है इससे ऊपर, 6,000। तो निहारिका ने भी 6,000 बोला और मेरा भी अप्रोक्सीमेट, क्योंकि सिक्के सबसे ज़्यादा मैं डाले हैं इसमें, तो मैं मान के चलता हूँ कि करीब 6,500। हाँ मैं 6,500 से लेके मतलब 6,500 से लेके 6,500 के बीच में, हाँ 6 से लेके 6,500 के बीच में मैं बोलता हूँ। और मम्मी को आप पूछते हैं कि मम्मी और पापा कितना बोलते हैं, ठीक है। तो आप बताओ कि इसके अंदर कितने पैसे होंगे? क्या बताऊं मैं? इस पैसे से हम लोग गोवा जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे बताओ? मुश्किल तो है ही, मतलब टिकट का पैसा आ पाएगा नहीं आ पाएगा? अरे कहाँ से आएगा? ट्रेन का नहीं आ पाएगा? आएगा। ट्रेन का आराम से आ जाएगा? ट्रेन का तो आ जाएगा। हाँ होटल का भी आ जाएगा अगर स्लीपर ट्रेन से जाएंगे तो। बताओ कितने रुपये होगा? 8,000। पापा बोलते हैं 8,000, निहारिका बोल रही है 5 से 6,000, मैंने बोला है 6 से 6,500। आप बताओ? हो सकता है 8-9। मम्मी बोलती है 8-9। इसमें रुपये नहीं है, नोट एक भी नहीं है, सिर्फ 10 का सिक्का, 5 का सिक्का, 2 का सिक्का, 1 का सिक्का है, इसके अलावा सिक्कों के अलावा कुछ नहीं है। में तो कितने होंगे बताओ? मैं इसे पहले बता दे रहा हूँ, पापा ने तो 8,000 बोल दिया। इसमें मैंने ऐसा नहीं सोचना कि 100 का नोट 500 का नोट मिलेगा, वो कुछ नहीं मिलेगा, चिल्लर है सारे। 5 से ज़्यादा नहीं। हाँ तो मम्मी बोलती है 5 से ज़्यादा नहीं होंगे। आप कमेंट करके बताओ कि पहले, लेकिन लास्ट में मैं काउंट कर लूँगा तो उसके बाद नहीं, ठीक है। पहले कमेंट करके बताओ कि कितने रुपए होंगे आखिरकार,
ये बता पहले बता दोगे तो हाँ, जो जो पहला कमेंट आएगा ना तो चलो मैं अगली बार आके जब मैं से मिलोगे तो मैं चॉकलेट खिलाऊंगा उसको, ठीक है? इतना ही करेंगे क्योंकि यार 5,000 रुपये 6,000 रुपये तो होंगे उसमें, ऐसा नहीं हो सकता कि 50% उनको दे देंगे, ठीक है? अभी इसे तोड़ते हैं, तोड़ के फिर काउंट करेंगे, फिर काउंट करके देखते हैं कि इसमें कितने रुपये होंगे। जय हिंद। मम्मी बोल रही है निहारी का घर की लक्ष्मी तो निहारी का तोड़ेगी। फूट गया, देखो ये फूट गया, ये देखो ये निकल गया है पैसा, पैसा ही पैसा बाबू भैया, पैसा ही पैसा। इस पैसे जाएगा अपन गोवा। तो देखो पूरा भर गया था ये, और मेरे को ऐसे फूटा है देखो अंदर से, पूरे सिक्के ही सिक्के, सिक्के ही सिक्के, सिक्के ही सिक्के, सिक्के ही सिक्के, देखो इतने सारे सिक्के हैं। अब हम लोग देखते हैं, गिनते हैं कितने पैसे इसमें हैं आखिरकार। पापा कह रहे टाइम पास होगा मेरा पूरा 1 घंटे का, तो पापा आ गए हैं नोट गिनने के लिए। तो जो काम मैं आसान समझता था वो काम इतना आसान भी नहीं है। करीब हमको मतलब 20 मिनट हो चुके हैं, और 20 मिनट में मैंने जो जिम्मेदारी ली है 5 रुपये के सिक्के की ली है। यहाँ पर मैं अपनी, मेरे पापा वहाँ 10 रुपये के सिक्के की मीनार लगा रहे, निहारी का ने भी 10 रुपये के सिक्के की मीनार पकड़ी है, और मम्मी यहाँ बैठ के सबको देख रही है कि आखिर पैसा कितना है। अभी बताओ कितना रुपये होगा? 2-4। मम्मी का आंकड़ा वैसे ही बढ़ रहा है जैसे कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई होती है। पहले वो कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, फिर बाद में पता था कि इतने वोटों से पीछे हैं। अब बताओ निहारिका, तुम कहते 6,000? जितना मैंने कहा है उतना ही, अभी भी उतना ही निहारिका। पापा आप तो अभी भी एक मीनार यहाँ पर लगी है, ये 5 के सिक्कों की है, उधर 10 के सिक्कों की है। अभी हम सेपरेट रखते हैं, फिर मैं आपको काउंटिंग करके बताता हूँ कि कितना रुपये हुआ सबके। मतलब अरमाना में पानी फिर गया है। एक के कहाँ ज़्यादा हुए? दो के सिक्के बहुत ज़्यादा मात्रा में निकले। नहीं, 5 के सिक्के भी बहुत ज़्यादा है, 5 के सिक्कों की मीनार बहुत ज़्यादा है। 5 के सिक्के ज़्यादा हैं, 10 के भी बहुत हैं, ऐसा नहीं है 10 के भी बहुत ज़्यादा है। बहुत है तो कब क्यों हो गया? हाँ, तो पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। अब गुल्लक छोटा ही था, 2 मेगा मुश्किल से 1 लीटर का गुल्लक होगा। तुम गोवा चले जाओगे, स्लीपर का किराया जाएंगे, स्लीपर का किराया आने जाने का कराएंगे, तो यहाँ से 750 रुपये किराया है जाने का और आने का, 1500 रुपये हो गए। और अगर 2 दिन वहाँ रुकोगी तो 2 दिन के 2,000 रुपये होटल के हो गए, 1500 तो 3,500 हो गए, 1,000 रुपये खाना खाओगी, 4,500 में मतलब हमारा ट्रिप हो जाएगा। तो देखते हैं अभी कितना मतलब पैसा होगा ये ट्रिप। तो यहाँ पे देखो मीनार इधर बन गई है, 10 के सिक्के की, 2 के सिक्के की, 1 के सिक्के की, कुछ मीनार यहाँ पे बनी हुई हैं। 1 के सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का है, तो इसे मतलब यहाँ लखनऊ में इसे लोग डुप्लीकेट बोल देते हैं, इसलिए लखनऊ में ये सिक्का चलता नहीं है। तो ये मतलब मेरे गुल्लक से करीब निकले थे 7-8 सिक्के। मेरे को ये कमेंट करके बताना क्या इंडिया में हर जगह ऐसा है क्या इसको डुप्लीकेट सिक्का माना जाता है, क्योंकि ये ना 8 आने के बराबर होता है। जब हमारे बचपन में 8 आना देखते थे तो ये उतना ही छोटा है, अगर कोई मतलब जानता है तो इस बारे में। हाँ, चला नया था, लेकिन कहीं कहीं लोग इसे ले लेते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में मोस्टली सिक्के को नहीं लिया जाता। नहीं, मैं डाल सकता, मैं हूँ, मेरे को अपने पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। बताओ आप कितने निकले? तो कितने निकले होंगे बताओ, गिनती यानी गिरी? 4,000 तक ही निकले पक्का, 4,000 चार हजार भी पूरे नहीं हो पाए हैं। देखिए 450 रुपये के हमारे सिक्के निकले, 10 रुपये की, यानी कि 145 सिक्के 10 के थे, और 1350 रुपये के सिक्के निकले 5 रुपये के, और उसके बाद 350 रुपये के निकले 2 रुपये के, और 332 रुपये के 2 रुपये के, और 1 रुपये के 147 निकले। तो टोटल पैसे आए हमारे 3,600, मतलब यह है रिजल्ट 3,622 रुपये। इसमें मतलब कुछ सिक्के जो मैंने आपको दिखाया पुराने वाले थे उनको अगर मिला जाए तो 3,630 रुपये हो जाएंगे टोटल, मतलब 3,630 रुपये हमने 1 साल में मतलब ऐसे सिक्के जमा करके किया। कोई बात नहीं, निहारिका तुमको मैं ले जाऊंगा गोवा, चिंता ना करो, तुम नाराज़ मत हो,
फिर से हम एक और गुल्लक लेके आएंगे, ये पैसे को 3600 करके उसी गुल्लक के अंदर नोट डाल देंगे, फिर एक और गुल्लक आएंगे। लेकिन पूरा गोवा जाएगा तब तक हम जाएंगे नहीं, तथा थोड़ी बहुत आप लोग की मेरी हेल्प कर दो भैया, थोड़ा कमेंट और लाइक शेयर बढ़ा दो ताकि पैसा यूट्यूब से अच्छा खासा मिल जाए तो मेरा गोवा खर्चा से चिल्लर ना जमा करने पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? फैमिली ब्लॉग था तो मैंने मतलब सोचा था कि ऐसा मेरे पहले फोड़ रहा था, ऐसे मैंने कहा क्यों ना आपको दिखा के फोड़ा जाए, थोड़ा आप लोग को मेरे ऊपर तरस आए और थोड़ा सब्सक्राइब ज़्यादा करो, ज़्यादा शेयर करो चैनल को और मेरी आमदनी यूट्यूब से इतनी हो जाए कि मेरे को ऐसे चिल्लर जमा करने की जरूरत ना पड़े। क्या चिल्लर जमा करने का अपना मजा है, बचपन की याद है, बुढ़ापे तक आदमी लेके चले तो ज़्यादा अच्छा है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।